अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बोटी फ्राई। जी हाँ, बड़ी ही चटपटी सी, बड़ी ही जायकेदार, बड़ी ही मज़े की बोटी फ्राई, आप इसे मटन फ्राई भी कह सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैंने ली हूँ आधा किलो बोनलेस मटन, इसमें मैंने डाल दी नमक और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ में डालेंगे 1 कप पानी, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कुकर का लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 2 विसल ले लेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट हम पका लेंगे ताकि बोटियाँ अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी बेहतरीन से हमारी बोटियाँ जो है कुक हो चुकी है। ये देखिए, अब मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दी ताकि ये मसाला जो है और अच्छे से ड्राई हो जाए और बोटियों पे अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए ये मसाला बिल्कुल अच्छे से बोटियों के ऊपर कोट हो चुका है। अब हम इस फ्लेम को बंद करते हैं और इन बोटियों को प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब हम इसकी कोटिंग बनाएंगे, कोटिंग तैयार करेंगे। तो मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा और मैदे के साथ ही लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला और साथ में 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चटपटी सी मज़ेदार कोटिंग तैयार हो गई। अब इन बोटियों को हम ठंडा कर इसमें डालेंगे। बोटियों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। बोटियाँ ठंडी हो चुकी है, अब बिल्कुल अच्छे से इसमें हम इसे कोट कर लेंगे। देखिए स्पून की मदद से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आसानी से बोटियाँ कोट हो जाएगी। मैं नींबू का रस डालना भूल गई थी तो अभी मैंने डाल दिया नींबू का रस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साइड में मैंने तेल गरम करने रख दी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद इसे हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। हमें स्लो फ्लेम पर बोटियों को फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है, ऑलरेडी हमारी बोटियाँ गली हुई है। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसी तरह रहने देंगे ताकि बोटियाँ अच्छे से सीख जाएँ। जब इसके किनारे थोड़े हल्के से डार्क होने लगेंगे तो इसे हम पलट देंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ भी इसे हम 1 से 1.5 मिनट सेकेंगे और उसके बाद इसे अलग पलट करके बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन बोटियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बोटियाँ बड़े ही मज़े की फ्राई हो रही हैं। ये देखिए कैसे बेहतरीन सी नज़र आ रही हैं। अब इसे अलग पलट करके बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये हमारी बोटियाँ बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये देखिए। तो अब चलिए इस मटन को हम निकाल लेते हैं, इन बोटियों को निकाल लेते हैं और इस तेल में अब हम बाकी की बची हुई बोटियाँ डालेंगे। पहले तेल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे। अगर तेल ठंडा होगा तो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैलेड बना लिया, टमेटोज, अनियंस, ग्रीन चिली और उसके साथ हमने डाल दी अपनी गर्मा गर्म बोटी फ्राई। इस पर डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और हल्का सा चाट मसाला। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूँ, ये बोटी देखिए कितनी परफेक्ट गली हुई है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। ये देखिए कितनी मज़े की नज़र आ रही है ना, बहुत ही लाजवाब है देखिए। और इसके टेस्ट के तो क्या कहने, बहुत ही ज़्यादा चटपटी जायकेदार। तो फ्रेंड्स मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।